छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव विकासखंड में भारत कलारी के पीछे लगातार अवैध उत्खनन का कार्य किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि प्रशासन के संरक्षण में यह अवैध कार्य हो रहा है। ग्राम पंचायत डुंगरिया से लगी हुई भारत कलारी के पीछे लगातार खनन माफियाओं द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा है। इस अवैध उत्खनन में प्रशासन का भी पूर्ण संरक्षण होने की बात सामने आ रही है। लगातार हो रहे इस अवैध उत्खनन को लेकर स्थानीय प्रशासन भी मौन है। लगातार बड़े पैमाने में बंद खदानों के आसपास चोरी और अवैध उत्खनन की खबरें आने के बाद भी बेकुली प्रशासन और स्थानीय प्रशासन द्वारा इसको नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। अधिकारी अवैध उत्खनन को लेकर किसी भी प्रकार का जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अवैध रूप से मुरम और कत्तल पत्थर का उत्खनन कर इसकी सप्लाई माफियाओं द्वारा शारदा परियोजना में की जा रही है, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि खनन माफिया राजस्व को क्षति पहुंचाकर कोली के कर्मचारियों से सांठगांठ कर चांदी काट रहे हैं। वहीं जुन्नारदेव विकास खंड के रहवासियों सहित स्थानीय ग्रामीणों ने इस अवैध उत्खनन पर शीघ्र ही लगाम कसने की मांग शासन प्रशासन से की है। कालरी के पीछे जो पत्थरों का अवैध उत्खनन की शिकायत आपके माध्यम से आज जानकारी प्राप्त हुई है जी, उसको हम लोग रिपोर्ट है, उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करेंगे। 10 किलो का यूनिफॉर्म, 12 किलो का एम्युनिशन, 15 केजी का रक्षक, एक सोल्जर जंग में दुश्मन से ये सब पहन के लड़ता है और आप एक मास्क पहनने में हिचकिचाते हैं। यही तो है आपका हथियार कोरोना से लड़ने के लिए। एक सोल्जर आपसे कह रहा है, बनिए कोरोना सोल्जर मास्क पहन के। इस जंग में जुड़ने के लिए imacoronasoldier.com पे रजिस्टर करो, मास्क पहनो, कोरोना सोल्जर बनो। मास्क का वार, कोरोना की हार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।